दुनिया भर में आतंक मचा रहा कोरोना वायरस भरतपुर में चिकित्सा अधिकारियों और जिला प्रशासन की मेहनत के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है। दरअसल भरतपुर में अब तक कोरोना के कुल 119 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब 114 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। फिलहाल जिले में सिर्फ 3 लोग ही कोरोना पॉजिटिव हैं और ऐसे में भरतपुर अब इस महामारी को शिकस्त देने के करीब है। हमारे यहाँ पर जैसा कि मैंने आज ऑडियो भी जारी किया था कि आज सुबह जो 162 की जो और रिपोर्ट आई है उसमें 4 लोग और जो ऐसे हैं तो पहले पॉजिटिव थे और अब वो नेगेटिव हो गए और रिकवर हो गए। तो इस तरीके से अब हमारे टोटल 114 लोग हैं, 119 में से रिकवर हो चुके हैं। 3 लोग जो 2 तो यहाँ से निकले थे कल और 1 जयपुर से, 3 लोग वो रह गए हैं जिनकी हम अभी एडजे प्रोटोकॉल दोबारा जांच कराएंगे। जैसे ही वो नेगेटिव हो जाएगी तो वो भी रिकवर हो जाएंगे। बाकी के 2 केसेज ऐसे थे जो अन्य कारणों से जयपुर में एक्सपायर हुए और उनका बाद में कोरोना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए थे। तो अब हमारे मात्र